हेलो एवरीवन, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड नॉलेज। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ नए एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला एप्लीकेशन जो आज हम एक ही एप्लीकेशन के बारे में एक्चुअली बात करने जा रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन का नाम है मोजिला फायरफॉक्स। तो आज मैं उसके यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि हम उसे यूज़ क्यों करने जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बात यूट्यूब की। यूट्यूब एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिलता है। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, हम जो भी सर्च करते हैं, हमें वहाँ पे उसका वीडियो मिल जाता है। एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन यूट्यूब में भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि काफ़ी सारे लोगों को फील होता है। अगर आपको यूट्यूब से कोई सॉन्ग पसंद आता है, लाइक उसका आप MP3 सुनना चाहते हैं सिर्फ, तो आप उसे मिनिमाइज करके नहीं सुन सकते हैं डायरेक्टली यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, आप लैपटॉप या PC में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टैब पे काम करता है। सेम फंक्शन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन में, वेदर वो एप्पल का आईफोन हो या फिर आपका एंड्रॉयड का कोई भी स्मार्टफोन हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आज उसमें यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब का वीडियो। उसके पीछे रीजन क्या है, यूट्यूब हमें क्यों अलाउ नहीं करती, उसका रीजन यही है कि यूट्यूब पे क्या होता है कि एड्स आते हैं। तो अगर वो एड्स आने का मतलब क्या है, अगर आप मान लेते कोई एप्लीकेशन आपको हेल्प करता है, या तो फिर यूट्यूब इटसेल्फ उसे आपको हेल्प करता है कि आप उसे मिनिमाइज करके प्ले करें, तो फिर क्या होगा, यूट्यूब को लॉस क्या होगा कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके, उनका एड कोई देखेगा नहीं, राइट? तो ऐड अगर उनका कोई दिखेगा नहीं, तो वो यूट्यूब को पैसे क्यों देंगे? उस जिस कंटेंट जो बना रहा है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, जो उसका कंटेंट क्रिएटर है, उसको क्यों देगी कंपनी पैसा, अगर उस पे जो ऐड आ रहा है वही यूजर कोई ऐड ही नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि उसे मिनिमाइज करके सिर्फ सॉन्ग सुनना चाह रहा है। तो इसीलिए यूट्यूब अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होती है, इसलिए यूट्यूब डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में अलाउ नहीं करती है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी MP3 सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, आप उसे बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हाँ चलो ठीक है, स्क्रीन का लाइट तो ऑन नहीं रहेगा, एटलीस्ट मेरा बैटरी भी सेव होगा, मैं सॉन्ग भी प्ले कर सकता हूँ। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो है मोजिला फायरफॉक्स। आपको मोजिला फायरफॉक्स अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यूट्यूब ओपन करना है, जो कि आपका एक मोबाइल व्यू में ही ओपन होगा फर्स्ट टाइम, अगर आप उसे ओपन करते हैं तो, लाइक वो मोबाइल के व्यू में ही रहता है, तो PC के फॉर्मेट में नहीं रहता है। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जा करके वहां पे एक चेंज करने का ऑप्शन आता है, डेस्कटॉप मोड को इनेबल करने का ऑप्शन आता है। डेस्कटॉप मोड को इनेबल करेंगे आप, उसके बाद यूट्यूब आप प्ले करके मिनिमाइज कर दीजिए, वो नॉर्मली डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जैसे हम करते हैं वैसे करके आप उसे यूज कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फोन पे यूज करके कि आपको इसे करना क्या है, चेंज कैसे करते हैं सेटिंग में जा करके, एंड आफ्टर दैट आप आराम से इसे यूट्यूब को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। तो हम अभी आ गए अपने फोन पे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बात कर रहा था किस चीज के बारे में, तो मैं बात कर रहा था यूट्यूब के बारे में। तो चलिए मैं इसे यूट्यूब को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ से अगर कोई भी एक वीडियो प्ले करते हैं, जैसे मैं ट्रेंडिंग में जाता हूँ और कुछ एक वीडियो प्ले करता हूँ, तो जैसे मैंने ये वाली एक वीडियो प्ले करी, तो अभी क्या है कि इसमें एड्स आ सकती है, राइट? तो ऐड आने के बाद क्या है कि यूट्यूब को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा अगर हम इसे मिनिमाइज करते हैं। तो चलिए मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ एक बार। देखा आपने, जैसे ही मैंने इसे बैक किया, लाइक मिनिमाइज किया यूट्यूब के एप्लीकेशन से, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली मिनिमाइज हो गया। देखिए आप देख रहे हैं ये बंद हो जा रहा है, पूरा म्यूजिक ही स्टॉप हो जा रहा है। तो मैं आपको बात कर रहा था मैं आपसे फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या करना पड़ता है। तो ये पहला मेरा यूट्यूब पेज खुल रहा है, जो मैंने डेस्कटॉप साइट में ऑलरेडी पहले ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, जब आप फायरफॉक्स में जाएंगे, यूट्यूब प्ले करेंगे, यहाँ पे आपको छोटा सा 3 डॉट दिख रहा है, सेटिंग की डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। टैप करते ही नीचे लिखा आता है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते बस आपका ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेस्कटॉप साइट में, मोबाइल एप्लीकेशन के जो व्यू है उससे चेंज हो जाएगा। अब आपका ये डेस्कटॉप मोड में आ गया, अब यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं। मैं कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूँ, ये वाला करता हूँ, मैं इसे जूम कर लेता हूँ पहले। यस, ये इस बार प्ले हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसे, अभी मैंने इसे पॉज किया है एक टैप में, जैसे लैपटॉप में होता है आपके, एक टैप आप करेंगे तो पॉज, एक टैप आप करेंगे तो ये प्ले। अब ये सॉन्ग प्ले हो रही है, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। ये मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया, आई होप आपको आवाज आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि ये ऑडियो इसमें आ रही है नॉइस, मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से ओपन करके। ये रहा हमारा, बस अब सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो आपका ये YouTube Firefox में इजीली चल सकता है। बैकग्राउंड में ये सॉन्ग प्ले हो रही है मेरी, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इसे बंद करता हूँ, नहीं तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चाहे